Hey guys, welcome to Mr. Thiri YouTube channel. जैसे कि मैंने आपको बोला था that हम इस जो सैटरडे वाले वीडियो है इसमें सब पुशअप्स के बारे में डालेंगे, तो इस बार ये वाले वीडियो में हम बोलने वाले हैं कौन सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारा बॉडी पम्प्ड अप हो जाए और हमारा बॉडी पुशअप के लिए रेडी हो जाए, और पुशअप्स के बाद कौन सा स्ट्रेचिंग करना चाहिए जिसके बाद आपको जो पुशअप से टायरिंग लाइक टायर्ड फील होता है वो कम हो जाए और बॉडी में कोई क्रैम्प भी ना लगे, ताकि आप नेक्स्ट दिन के लिए रेडी हो जाए। तो वीडियो को देरी क्यों करते हैं, वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर वन, हाथ को लाइक ज़मीन से पैरेलल रखिए एंड स्टार्ट मूविंग रोटेटिंग। इससे क्या होगा, इससे आपका चेस्ट एंड बैक जो एक्चुअल पुशअप्स में आपको यार मसल्स जो टारगेट करता है पुशअप्स में, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, ये सब थोड़ा ना थोड़ा एनी हाउ स्ट्रेच हो जाएगा। यू हैव टू डू लाइक 10 बार आपको रोटेशन लाइक क्लॉकवाइज करना है एंड 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब हम दूसरे एक्सरसाइज को दूसरे स्ट्रेचिंग की ओर आते हैं। सॉरी, देखो जब हम पुशअप्स करते हैं ना कि सिर्फ हमें चेस्ट एरिया में अफेक्शन मतलब जो अफेक्ट करता है, बल्कि हमारा फोरआर्म्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स इसको भी अफेक्ट करता है। सो इसको भी स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसल स्ट्रेच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए दो स्ट्रेचिंग है। वन इज दिस, यू हैव टू होल्ड इट फॉर 10 seconds, काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन अगेन दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ना अब दूसरे हाथ के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दो ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आपके चेस्ट को एक्टिवेट कर देंगे, सो दैट आप जब पुशअप्स करो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। पहला है ये, काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और दूसरा है, सोचो ये आपका मिड सेक्शन है एंड दिस इज द एरिया, यू हैव टू ब्रिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड दिस इज लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये सारे जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मैंने बताया ये आपको पुशअप से पहले करें, पुशअप्स के बाद आपका फोरआर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स थोड़ा सा स्टिफ हो सकता है। सो यू कैन डू दिस, आई डोंट नो ये स्ट्रेचिंग भी है या नहीं, लेकिन आई डू दिस फॉर लाइक मुझे जब लगता है मेरा क्रैम्प हो गया या बहुत स्टिफ हो गया, ऐसे परपेंडिकुलर रख के आई स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, शेकिंग माई हैंड्स, सो दैट जो भी मसल्स आपके आर्म्स, फोरआर्म्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स वाले मसल्स वो फ्री हो जाएंगे। डू इट टिल लाइक आपको जब तक फ्री ना लगे, ऐसे इसमें काउंट कुछ नहीं है, यू विल फील गुड, लाइक आपको लगेगा यार फ्री फ्री हो गए। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, चलिए आपको बताओ, अब ये वाले एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ स्टिफ चीज़ चाहिए, आप वॉल का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ अपने वाटर टैंक का यूज़ कर रहा हूँ। सो यू हैव टू स्ट्रेच लाइक दिस, यहाँ पर स्ट्रेच, जब तक यहाँ पर स्ट्रेच ना आए तब तक करते रहो, फुल स्ट्रेच हो। वेल, इतना ब्यूटीफुल मॉर्निंग था इसलिए आई वांटेड टू शो यू दिस। सो विद दिस द वीडियो इज ओवर, आई होप यू लाइक द वीडियो। अब ये वीडियो को अगर देख लियो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि
सैटरडे ऐसे ही वीडियो आने वाले हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको पुशअप्स में परफेक्ट पोजिशन से लेके यार पुशअप्स को मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया। मैंने 2 वीक्स का चैलेंज लिया है दैट आई विल डू 50 पुशअप्स एवरी डे फॉर 2 वीक्स, वो वीडियो भी आ जाएगा जल्दी। डाइट क्या फॉलो कर रहा हूँ इस 2 वीक में सब आपको ये सैटरडे प्लेलिस्ट में पता चल जाएगा, पुशअप प्लेलिस्ट में। ये था पुशअप प्लेलिस्ट का एक वीडियो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।